हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का स्वागत है रोस्ट या टोस्ट में। अभी मैंने एक दो दिन से नेट पर एक पाकिस्तानी एनिमेशन मूवी है अल्लाहयार एंड द लेजेंड ऑफ मारखोर, इसके बारे में काफ़ी तारीफ पड़ी, तो मुझे लगा कि मुझे भी ये ट्रेलर देखना चाहिए। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने अल्लाहयार द लेजेंड ऑफ मारखोर के ट्रेलर के साथ। तो देखते हैं, चलिए अल्लाहयार द लेजेंड ऑफ मारखोर का ट्रेलर, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। ये कहानी है कहीं दूर शुमाली इलाका जात में बसने वाले एक खुशहाल घर की। किसे मालूम था कि यह आसूदा घर किसी अनजान संगीन खतरे की आमद से बेखबर उस घनाने जल भगोले की जाने रवा दवा है। आओ चलो घर चले। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। क्यों? तुम बातें कर रही हो? हाँ तो मैं शिकारियों को रोकूंगा। शिकारियों के पास तो बंदूकें होंगी। शिकारी को हमारे घर का खुफिया रास्ता पता चल चुका है, बस शिकारी की तो ऐसी की तैसी। देखा तो नहीं उसने? एक बात तो मैं बोलूंगा कि कलर कॉम्बिनेशन और क्या बोलेंगे विजुअल्स काफी जबरदस्त हैं इसमें। बहुत ही ब्राइट ट्रेलर है और काफी ज्यादा कलर का यूज किया गया है। एक ही बात है, सब शिकार है। मैं तो मुझे बड़ा अच्छा कैरेक्टर लगता है। शिकारी को छठी का दूध पिलाऊंगा, कोई भागेगा नहीं। ओके। शिकारी को पता नहीं कि उसका पाला किससे पड़ा, क्योंकि मैं हूँ अल्लाहयार। और कुछ बोलना हो? कम से कम जिस तरीके से जो नेचर की जिस तरीके से शूटिंग क्या कहें एनिमेशन बना किसने किया? कसम भाई, क्या कहूँ, ट्रेलर तो खैर बहुत ही खूबसूरत है। स्टोरी, एनिमेशन की क्वालिटी, उस सबको उठा के अगर मैं साइड में भी रख दूं, तो जो खास तौर से जो कुदरती खूबसूरती की जिस तरीके से एनिमेशन में क्रिएट किया गया है वो बहुत ही जबरदस्त है। पहाड़ी इलाके, बाग, फूल, पेड़, मौसम, बहती नदी, बहुत ही अच्छे तरीके से एनिमेट किया गया है। और तारीफ के अलावा और कुछ दूसरा शब्द नहीं है मेरे पास इसको कहने के लिए। अब तारीफ इसलिए भी करना चाहूंगा क्योंकि ये कोई हॉलीवुड की मूवी तो है नहीं, पाकिस्तान की मूवी है, तो ऑब्वियसली इसका बजट इतना भारी भरकम नहीं रहा होगा जैसे एक हॉलीवुड की मूवीज का होता है। लेकिन अपने लिमिटेड बजट होने के बावजूद, कम पैसा होने के बावजूद इतना उम्दा, इतना क्वालिटी काम निकाल पाना, ये इस एनिमेशन को बनाने वाले की प्लस इस मूवी के डायरेक्टर की क्रिएटिविटी की ही दाद देनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है इस फिल्म के इतना खूबसूरत बनने का। अच्छी या बुरी तो खैर वो तो फिल्म को देखकर ही पता लगता है, लेकिन खूबसूरती में यह फिल्म 100 में से 100 नंबर ले जाती है। स्टोरी काफी अच्छी लगती है, एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अल्लाहयार के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि बच्चा एक नॉर्मल किसी भी अपनी हम उम्र बच्चे की तरह शैतान है, मस्ती करता रहता है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है, घर से बाहर ज्यादा रहना पसंद करता है, घर के अंदर उसका कम मन लगता है। तो उसी तरीके से जो उसके एडवेंचर्स हैं, जो उसी तरीके से उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसके ऊपर ये मूवी है। खासतौर से इसमें जो अल्लाहयार का जिस तरीके से कैरेक्टर है, वो एक ऐसा बच्चा है जो कि दुनिया के किसी भी कोने में आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, जो कि किसी भी कौम में, किसी भी देश में आप इमेजिन कर सकते हैं। कोई भी माँ बाप होंगे वो उसको अपने से कनेक्ट कर पाएंगे या अपने बच्चे के साथ उसको कनेक्ट कर पाएंगे, देख पाएंगे कि उनका बच्चा भी ठीक वैसा ही उद्यमी और शरारती है। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये बच्चों की मूवी है तो एक स्टोरी टेलिंग भी है उन्हीं के अंदाज में, लेकिन इस मूवी में जो मुझे लगा वो एक ये कि सोशल मैसेज भी है। वो सोशल मैसेज है कि आप अपनी कुदरत, अपनी प्रकृति, अपनी नेचर से प्यार करें, उसको कंजर्व करें, प्रिजर्व करें,
और साथ ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में भी है। अब मे भी जो मुझे लगता है कि क्योंकि जो फिल्म के टाइटल में भी है मारखोर, मारखोर जो है वो पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला एक तरीके से बकरा की नस्ल का एक जानवर है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो मारखोर है वो शायद एक फीमेल मारखोर का कैरेक्टर मतलब एनिमेशन है, क्योंकि नर मारखोर जो है वो उसके तो दाढ़ी वगैरह सब होती है, जो कि मैंने इस नरेशन में इस एनिमेशन में मैंने नहीं देखा है। तो मे भी पॉसिबल है कि वो एक फीमेल मारखोर है, तो शायद ये उसी को बचाने के ऊपर पूरी स्टोरी है। जो शिकारी है वो शायद उसी मारखोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एनिमेशन मूवी होने के बावजूद भी ना इसमें मैंने देखा काफी सारी छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखा गया है। जैसे कि एक दो सीन्स में मैंने देखा कि जहां पर अल्लाहयार का घर दिखाते हैं एक टॉप एंगल से, तो उसके घर के आंगन में छोटी सी कुंडी है, एक चारपाई पड़ी हुई है। तो ये एक ना बारीकी पे नजर रखने वाली जो दिमाग उनका है वही ये चीज ऐसा कर सकता है। लेकिन जो मुझे इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगी, वो उस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी डबिंग। मुझे ऐसा लगता है, एक दो नामों को तो चलो मैं पहचानता हूँ, हरीम फारूक वगैरह को, लेकिन जो मुझे लगता है वो ये कि इस फिल्म की डबिंग सारे के सारे प्रोफेशनल एक्टर्स ने करी है, एक रेगुलर डबिंग आर्टिस्ट ने नहीं करी है। क्योंकि एक्टर जो होता है वो जब कोई बात बोलता है, डायलॉग बोलता है, तो बिकॉज ही इज एन एक्टर, ही और शी इज एन एक्टर, तो वो एक पूरे इमोशन, एक पूरी फीलिंग के साथ बोलता है। एक रेगुलर डबिंग आर्टिस्ट जो होता है उससे आप एक्टिंग की उम्मीद नहीं कर सकते, वो डब कर सकता है। एक जो अच्छा डबिंग करी गई हो तो वो आपकी फिल्म में चार चांद लगा देता है, और अगर एक खराब डबिंग करी गई हो तो वो फिल्म को बर्बाद कर देता है। फिल्म को बर्बाद करना मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि अभी दो तीन दिन पहले ही मिशन इम्पॉसिबल 6 का हिंदी में ट्रेलर लॉन्च हुआ है। आप यकीन मानेंगे कि उसकी इतनी घटिया डबिंग हुई है कि मैंने वो ट्रेलर जब देखा तो मेरे से वो ट्रेलर पूरा देखा भी नहीं गया, मैंने आधा ट्रेलर देख के बीच में बंद कर दिया। मेरे को उसके कंपैरिजन में जो उसका इंग्लिश का ट्रेलर आया था वो मुझे लाख गुना बढ़िया लगा, क्योंकि उसमें जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं वो पूरी इमोशन के साथ, पूरी फील के साथ बोले जा रहे हैं। लेकिन जो हिंदी वाला डबिंग था वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने एक रट्टा सा मार दिया है। तो एनिमेशन में क्योंकि डबिंग ही होती है, जो कैरेक्टर है वो तो बोल नहीं रहा है, तो जो बैकग्राउंड में कैरेक्टर है अगर उसे डबिंग आर्टिस्ट की बजाय आप एक रेगुलर एक्टर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है। अब फिल्म ये इंडिया में रिलीज होगी, कब होगी पता नहीं, लेकिन जब भी होगी तो इसे मैं देखने जरूर जाऊंगा। तो दोस्तों ये था मेरा अल्लाहयार द लेजेंड ऑफ मारखोर का मेरा ट्रेलर रिव्यू रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके जो भी कमेंट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर, साथ ही आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।